दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2023 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी कुत्ते का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में लीड रोल में आपको अर्जुन कपूर देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में कुछ लोग एक रॉबरी को करने के लिए प्लान बनाते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ में क्या टर्म्स आते हैं ये आपको वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहां पर पुलिस ने एक रिबेल लीडर सोनिया को पकड़कर लॉकर में रखा हुआ होता है और कांस्टेबल पाजी उससे बात कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि वह ऐसे जंगल में लोगों को क्यों मारती है। तब सोनिया उसे बताती है कि उसकी लड़ाई उसके सिस्टम और बॉस से है और वो उनसे आजादी चाहती है क्योंकि लोगों ने उन्हें बहुत प्रताड़ना दी है। और तभी वहां पर पाजी का सीनियर स्पेक्टर आ जाता है जो ड्रिंक की हुए होता है। वह अपने साथ एक नेता को भी लेकर आया हुआ था और उससे कहता है कि क्या वो सोनिया के साथ रेप करना चाहता है, पर वो यह क्या कर चला जाता है कि गंदी लड़की के साथ गंदा नहीं होना चाहता। तब इंस्पेक्टर खुद ही सोनिया के साथ रेप करने के लिए कहता है। यह सुनकर पाजी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो इंस्पेक्टर पाजी को मारकर बाहर निकाल देता है और सोनिया का शोषण करने लगता है। वो बेचारी चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से ऐसे लोग रिबेल बन जाते हैं। उसके बाद सोनिया के लोग पुलिस स्टेशन पर आकर अटैक कर देते हैं और वहां पर नेता सेतु स्पेक्टर को भी मार देते हैं। सिर्फ कांस्टेबल पाजी जिंदा बचते हैं। तब सोनिया वहां से जाने से पहले पाजी को एक बम देकर जाती है और कहती है कि अगर अत्याचार से मुक्ति पानी हो तो इसे फोड़ देना। सीन 13 साल बाद का दिखाया जाता है जहां पर कांस्टेबल पाजी एसआई बन चुके होते हैं और उनका सीनियर इंस्पेक्टर गोपाल अंदर रूम में एक लड़की के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां पर उस सिटी के डॉन बाबजी अपनी लोगों के साथ आते हैं और गोपाल से आकर कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि आजकल वो सुरती के साथ काम करता है। पहले तो गोपाल इसके लिए मना करता है और बाद में डर की वजह से वह बता देता है कि आजकल सुरती के लिए ही काम करता है और यह सुनकर बाबजी से 2 लाख रुपए देने के लिए कहते हैं और उसके लिए उसे सुरती को मारना था क्योंकि सुरती और बाबाजी की बहुत सालों से दुश्मनी चली आ रही थी और गोपाल इस काम को ले लेता है। और अगले दिन गोपाल और पाजी जाकर सुरती का गेम बजा डालते हैं और वहां पर मौजूद बाकी लोगों को भी मार देते हैं, पर उसमें एक नाइजीरियन बच जाता है जिसके पास 2 लाख रुपए का ड्रग्स होता है। वह अपनी जान के बदले गोपाल को ड्रग्स देने के लिए कहता है और फिर भी गोपाल उसे मार देता है क्योंकि उसने गोपाल से माफी मांगते हुए उसकी पैंटी उतार दी थी और उसके बाद लालच में आकर उस ड्रग्स को अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर रास्ते में उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें उनके सीनियर के पास लाया जाता है जहां पर उनके पास ड्रग्स होने की वजह से दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ ही उन्हें अपने सीनियर से पता चलता है कि 4 गोलियां लगने के बाद भी सुरती मरा नहीं और अभी भी वो हॉस्पिटल में कोमा में है। अगर उसने होश में आने के बाद बयान दे दिया तो उनकी नौकरी के साथ जान भी जा सकती है। अब वहां से जाते टाइम पाजी को एक कांस्टेबल बताता है कि पम्मी इस टाइम पर कमिश्नर के लिए काम करती है। पम्मी एक एसीपी थी और आजकल वह कमिश्नर के साथ ही रहती थी, इसलिए गोपाल और पाजी अपने सस्पेंशन को कैंसिल कराने के लिए पम्मी के पास हेल्प लेने जाते हैं जहां पम्मी अपनी वैन में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। यह है हमारा बॉलीवुड जहां पर पुलिस ड्यूटी पर शराब पी रही है और दबाकर गालियां भी दी जा रही है। वहां पर पम्मी गोपाल और पाजी की प्रॉब्लम को सुनकर उन्हें यकीन दिलाती है कि वो उनके सस्पेंशन को कैंसिल करा देगी और इसके लिए उन दोनों को 2 करोड़ रुपए देने होंगे। अब इतने सारे पैसों को अरेंज कर पाना उन दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल काम था। तभी पम्मी को वहां पर अपना पुराना फ्रेंड जग्गी मिल जाता है जो पहले फोर्स में काम किया करता था और अब वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी का काम करता था। दरअसल वह सिटी में मौजूद एटीएम में पैसे डालने का काम करता था जिसके लिए वो अपनी पर्सनल वैन में विद सिक्योरिटी पैसों को लेकर जाया करता था। ये सारी जानकारी गोपाल के सामने ही जगदी पम्मी को बता रहा होता है और उसके बाद पम्मी ड्रिंक करते हुए अपनी जोक से सबको हंसाने की कोशिश करती है। उसके बाद गोपाल और पाजी वहां से निराश मन से जाने लगते हैं और तब गोपाल पाजी को अकेले छोड़कर जाने लगता है जिससे पाजी उसे कहते हैं कि अगर वह फंसा तो वह उसे भी फंसा देगा। इस पर गोपाल गुस्से में पाजी को स्लैप कर देता है और उनसे कहता है कि वह चाहे तो सारा इल्जाम उनके सर पर डाल सकता है, इसलिए वह खुद अपने पैसों को अरेंज करने की सोचता है, उसे कैसे करने ये उसे अच्छे से पता है। जबकि गोपाल की गलती की वजह से लोग आज फंसे थे क्योंकि पाजी ने तो ड्रग्स साथ ले जाने के लिए मना भी किया था और गोपाल ने उनकी बात नहीं सुनी थी। और अब जब पाजी वहां से निराश होकर अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनका बेटा बाहर गली में एक लड़के से झगड़ रहा है और यह देखकर उसे घर लाकर डांटने लगते हैं। तब वह कहता है कि वो लड़का उसे चिढ़ाता था कि तेरे बाप को सस्पेंड कर दिया गया है और अब वो कभी भी पुलिस में वापस नहीं जा पाएंगे और इसीलिए ही उसकी उससे लड़ाई होती है।
यह सुनकर पाजी भी अब दुखी हो जाते हैं, इसीलिए वो वही बॉम्ब लेकर सुसाइड करने का फैसला लेते हैं जो 13 साल पहले सोनिया ने उन्हें दिया था। दूसरी तरफ गोपाल अपने कुछ लोगों से मिलने बियर बार में आता है, जहां पर लोगों को बताता है कि उन्हें बैंक को लूटना है जिसमें 4 करोड़ रुपए होंगे, उसमें से वह 1 करोड़ रुपए ले लेगा और बाकी का पैसा वो आपस में बांट ले। यह सुनकर वो लोग ये काम करने को रेडी हो जाते हैं और शाम को बैंक के रोड में आकर उस वैन को रोक लेते हैं। उसके बाद गोपाल बैंक के पास आकर जग्गी को गोली मार देता है और फिर उनके बीच शूटआउट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें गोपाल और जग्गी के सारे लोग मारे जाते हैं। बस एक ड्राइवर वहां से भाग जाता है। इस शूटआउट में गोपाल भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, पर वो उनमें से एक आदमी को लेकर उस वैन को लेकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक कार उस वैन का एक्सीडेंट कर देती है और वह वैन एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिसमें गोपाल तो बेहोश हो जाता है और वो आदमी वहां से निकलने की कोशिश करता है। और तभी लवली और दानिश आकर उस आदमी को मार देते हैं। लवली बाबजी की बेटी थी और दानिश बाबजी के लिए ही काम करने वाला एक आदमी था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो लोग वहां पर क्यों थे। दरअसल गोपाल पाजी से लड़ाई करने के बाद बाबजी के पास गया था, जहां पर उसने उनसे कुछ हथियार मांगे थे, क्योंकि उसने उनके लिए सूरती को मारने का काम किया था। तभी वहां पर लवली ने बाबजी से अपनी एक फ्रेंड के पास जाने के लिए कहा था और वो रात को उसके ही घर पर रुकने वाली थी, इसीलिए बाबजी ने उसके साथ उसकी सेफ्टी के लिए दानिश को भेजा था। और रास्ते में हमें पता चलता है कि दानिश और लवली एक दूसरे से प्यार करते हैं और लवली ने झूठ बोला था कि वह अपनी फ्रेंड के पास जा रही है, क्योंकि वो तो दानिश के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी। दरअसल उसका अपने घर में दम घुटता था, क्योंकि वहां पर वो फाउंडेशन में रहती थी और इसीलिए वो दानिश के साथ कनाडा जाना चाहती थी, ताकि वो यहां से दूर सुकून से एक साथ रह सके, क्योंकि यहां पर अगर उनके रिश्ते के बारे में बाबजी को पता चल जाता तो वह दानिश को मार देते। अब दोनों थोड़ी देर प्यार की बातें करने के बाद किस करने लगते हैं और कार में ही शुरू हो जाते हैं। और अब इंटीमेशन के बाद उन्हें एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो दोनों एक बियर बार में जाते हैं और ये वही बियर बार होता है जहां पर गोपाल अपने लोगों से चोरी का प्लान बना रहा था। और ये सारी बातें लवली और दानिश ने सुन ली थी, इसलिए उन्होंने गोपाल का पीछा किया और शूटआउट वाली लोकेशन तक पहुंच गए। उनका प्लान था कि वो गोपाल को मारकर वैन से सारा पैसा लूट लेंगे और फिर आराम से किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर मजे से रह सकेंगे। और इसीलिए वो लोग उस वैन के पीछे गए और रास्ते में उन्होंने इस वैन का एक्सीडेंट करके उसके ड्राइवर को शूट कर दिया। और अब प्रेजेंट सीन में उन्होंने उस ड्राइवर को अपनी कार में बिठाकर आग लगा दी और गोपाल को मरा हुआ समझकर वहीं फेंक कर वह उस वैन को लेकर निकल गए। पर गोपाल मरा नहीं था, एक कुत्ते के चाटने के बाद होश में आ गया था और उस वैन के पहले वाले ड्राइवर के साथ वैन की तरफ निकल पड़ा था। और उधर दानिश और लवली बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अब 4 करोड़ रुपए मिल गए थे। और तभी कोई दानिश को गोली मार देता है, जिससे उनकी वैन पेड़ से जाकर टकरा जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि गोली पाजी ने मारी थी वहां पर पम्नी के साथ आए हुए थे। अब दोनों वहां पर क्यों थे, इसके बारे में हमें फिर फ्लैशबैक में जाकर पता चलेगा। दरअसल जब पाजी सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके पास पम्नी की कॉल आई थी कि उन्होंने उनके कुछ जानने वाले लोग को पकड़ा है जो देसी कट्टे और बाकी हथियार बनाया करते थे। इसीलिए पाजी पम्नी को जाकर बताते हैं कि कुछ साल पहले नक्सलियों के एनकाउंटर के लिए उनकी टीम इन्हीं लोगों से हथियार खरीदा करती थी, इसलिए वो लोग पाजी को जानते थे। अब जब पम्नी ने उन तीनों लोग को मारना शुरू किया, तो उनमें से एक ने उन्हें 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा, ताकि वो उन्हें छोड़ दे। तब पम्नी को पता चला कि उनके गांव का एक दोस्त जो एटीएम वैन का ड्राइवर है और इस वैन में 1 करोड़ रुपए जाते हैं, इसलिए उन्हें उस तक ले जा सकते हैं। अब करोड़ों का नाम सुनकर पम्नी के मन में लालच आ गया और उन्होंने पाजी के साथ मिलकर इस वैन को लूटने का प्लान बनाया। और इसके लिए सबसे पहले तीनों में से 2 को लेकर उस ड्राइवर के पास गए, जहां से उन्हें पता चला कि वो तो छुट्टी पर है और उसकी जगह दूसरे ड्राइवर महेश जाने वाला है। अगर किसी वजह से महेश नहीं जा पाया तो कंपनी वाली उसे बुला सकते हैं और फिर वो बैंक की लोकेशन बताता रहेगा। और इसीलिए वो पम्मी और उनकी टीम को पकड़ने के लिए गए थे और पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा था, और भागते हुए उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और फिर उसी ड्राइवर को काम पर बुला लिया गया। और पम्मी और पाजी का प्लान था कि वह बैंक को एक लोकेशन पर आने के बाद लूट लेंगे, और जब दानिश लोकेशन पर बैंक लेकर आया तो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। अब इन द प्रेजेंट सीन लवली और पम्मी की टीम के साथ शूट आउट होने लगता है, पर जब उसे पता चलता है कि लवली बाबजी की बेटी है तो वो लोग शूट आउट रोक देते हैं। और तब तक वहां पर गोपाल भी पहुंच चुका होता है और वह सब आपस में नहीं लड़कर उस 4 करोड़ को आपस में बराबर बांटने का प्लान बनाते हैं। और वहां पर गोपाल थोड़ा चालाकी करने की कोशिश करता है और तब तक वहां पर रिवेल आ जाते हैं, जिसमें सोनिया भी होती है। उन्हें देखकर वो लोग टूटी फूटी बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं।
क्योंकि वो लोग गोलियां चला रहे थे, पर उन्हें रोकने के लिए पाजी बाहर निकलकर आते हैं क्योंकि पाजी सोनिया को पहले से जानते थे और सोनिया उन पर यकीन भी करती थी, इसलिए सोनिया बाकी लोगों को भी निकालने के लिए कहती है। पर गोपाल चालाकी करके उन सब पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें रिबेल के साथ सोनिया भी मारी जाती है और इस शूटआउट में दानिश, लवली, पाजी और पम्नी भी मारी जाती है। पर किसी तरह गोपाल वहां से इंजर्ड हालत में बाहर निकल जाता है और पुलिस को आकर कहानी सुनाता है कि रिबेल ने उन पर अटैक किया था और उसी में उसके साथियों की मौत हो गई थी, बस वो बच गया था। उसके बाद गोपाल उन सारे पैसों को लूट चुका होता है और उन पैसों से बाहर फॉरेन में मजे लेने के लिए पहुंच जाता है। और तभी रात को उसे पता चलता है कि मोदी जी रात के 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया है और उसके पास सारी करेंसी 500 और 1000 के नोटों की थी, इसलिए खबर सुनने के बाद गोपाल इतना सब कुछ करने के बाद भी कंगाल ही रह जाता है, क्योंकि लालच ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।